Yes, my dear friend, let me show you one of the beautiful handicraft, art and craft of Manipur. So, मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ मणिपुर का एक हैंडीक्राफ्ट. ओके, ये खासकर किसके लिए बना है? ये बैठने के लिए बना है. हम इसको मणिपुरी में बोलते हैं मोरा. सो द मोरा इज सम कॉमन वर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट. सो दिस इज द मोरा मणिपुरी. दिस इज द मोरा कोरे. सो दिस इज मेड अप ऑफ कैन एंड बैम्बू. बैम्बू और कैन से ही बना है. हम आपको और भी डिटेल जानकारी देंगे. और ये बैठने के लिए बना है, जैसे कि मैं आपको सामने में दिखाता हूँ. सो ये जो स्टूल जो आप देख रहे हैं, वैसा ही ये स्टूल की तरह काम करेंगे. सो ये खासकर बैठने के लिए ही बना है. और मैं आपको इसमें डिटेल दिखाता हूँ. ओके, बेसिकली जो ऊपर का जो सेक्शन है, ये केन से बना है. केन यानी कि फॉरेस्ट में मिलने वाले एक नेचुरल प्रोडक्ट है. केन एक पौधे का स्किन है और ये बहुत रफ एंड टफ है और ये बहुत लंबा साल चलेगा. और ये जो केन है, ये इसको बेसिक तौर पे बिना कोई ट्रीटमेंट करके इसको पानी में भिगो के और इसको पेरिनियली सेप करके बनाया गया है. इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये सीजनल किया गया है. और अंदर में जो है, ये जो सेक्शन है मेन बीम, ये भी बैम्बू का ही बना है. जो बीम तौर पे पिलर है, टोटल 1, 2, 3, 4 पूरे 6 पिलर है. और साथ में ये जो है मेन, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बम्बू का ही बना है. और ये जो लाल कलर है, ये ट्रीटमेंट किया गया बम्बू है. सो दिस इज़ कॉल्ड मोरा. और मैं उसको उल्टा करके आप अंदरूनी तौर का हिस्सा दिखाता हूँ. सो ये है मोरा का अंदरूनी हिस्सा. और ये जो अंदर का जो वेट निकालने, वेट का वेगिंग जो सेक्शन है, ये केन केन से ही बना रहता है और नहीं तो तार से बना रहता है. सो दिस इज़ मोरा हैंडीक्राफ्ट ऑफ मणिपुर. सो इसका जो डिज़ाइनर है, मैं उसका डिटेल और उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. सो मैं उसका क्रिएटर नहीं हूँ, उसका जो हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपर्ट है, मैं उसका नंबर आप देख लीजिए नीचे में और उसी नंबर पे आप फ़ोन करिए तो आपको बिजनेस और इसका जो ये है, आपको जो कोरियर अगर कोई कस्टमर चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं. So with this, thank you. Have a happy sitting. And the light open round.